हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम इस बार क्लियर नहीं हुआ है। उन लोगों को सैड होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि इस बार आप लोगों को डबल फोकस के साथ, डबल हार्डवर्क के साथ अपना प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था बट उनके रिज़ल्ट में मार्क्स कम आए हैं, उनके पेपर में मार्क्स कम आए हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए थे बट मार्क्स कम आए हैं, तो आप लोग इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाइए, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कीजिए। इससे ये होता है कि आप लोग जब सर्टिफाइड कॉपीज़ देखेंगे अपने, तो आप लोगों को ये पता चलता है कि आपके मार्क्स कहाँ पर कट रहे हैं। जैसा कि लास्ट टर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था, मैंने उनको बोला सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाने के लिए, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाई, फिर उन्होंने उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका मार्क्स कहाँ पर कट जाता है। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को ठीक की जून 19 टर्म में और उनका इस बार रिज़ल्ट पॉजिटिव हुआ है, उनके एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था बट आप लोगों को मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप लोग ज़रूर सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा। अभी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने की विंडो ओपन नहीं हुई है, जैसे ही वो विंडो ओपन होती है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स, और आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बनाकर एक डिटेल्स भी दूंगा कि कैसे उस सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करनी है। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी मैं देना चाहता हूँ, इस बार हमारे ग्रुप से, फेसबुक का जो ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हो चुके हैं, रैंक ऑल इंडिया में रैंक लाया है कुछ स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए गाइज। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, अभी इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियल पास परसेंटेज रिलीज़ की है जिसमें इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप का रिजल्ट हुआ है 18.53% और फाइनल का रिजल्ट हुआ है 15.91%। इंटर में 5,903 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें कि 1,094 स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप क्लियर किया है अपना, बोथ ग्रुप के लिए 5,903 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, और फाइनल के लिए 2,106 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था जिसमें से 335 स्टूडेंट्स अपना फाइनल क्लियर किया है बोथ ग्रुप एक साथ, उनका रिजल्ट 15.91% हुआ। और CMA फाउंडेशंस के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हुए हैं फ्रेंड्स, एज एक्सपेक्टेड 70% ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से 75.66% रिजल्ट हुए हैं। 8,119 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में अपीयर किया था और 6,143 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं इस बार। तो CMA फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा अब आप लोगों को इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। आप लोग इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी है और यहाँ भी आप लोगों को अपना रिज़ल्ट एक बार में बहुत अच्छा करके दिखाना है। तो गाइज, आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं रैंक होल्डर्स से, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आप लोगों से जल्द उन क्वेश्चंस का आंसर लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए।